चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा छठवी की विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम अभी तक हम लोग दो चैप्टर खत्म कर चुके थे। पहला चैप्टर था आपका भोजन, यह कहाँ से आता है। दूसरा था भोजन के घटक, इसमें बात करेंगे हम लोग तंतु से वस्त्र तक। याद रखिए आप लोग, इसमें समझाने लायक ज़्यादा कोई टर्म्स नहीं है, ना ही ऐसे कोई कठिन शब्द हैं जो आपको समझ में ना आए। मैं यही कहूंगा कि एक दो बार ऐसे कहानी की तरह पढ़ लीजिए या फिर सुन लीजिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इतने में। क्योंकि ये कहानी के रूप में आपको जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहेली और बूजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदना का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझने में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं, जो कुछ तो कुछ संश्लिष्ट किमतें हैं। उनके पास ऊनी मफलर तथा साल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थी। पहेली तथा बूजो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूजो ने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को ध्यान में से देखना आरंभ किया। उन्होंने ये देखा कि बेड शीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, डस्टर आदि, ये सभी भिन्न 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 प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने वस्त्र बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्तुओं की पहचान सूती, ऊनी, रेशम अथवा संश्लिष्ट किंतिम के रूप में की। क्या इन वस्त्रों से कुछ की पहचान कर सकते हैं? यहाँ आपको समझाया गया है कि हमारे वस्त्र किससे किससे बन सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं कहानी के रूप में। यही अब बात करते हैं वस्त्रों की विविधता। वस्त्रों की विविधता, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उनके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उसे पूंछ कर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है, ठीक है। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप एक में लेबल लगाया है। इसके सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा धागा तागा दिखाई ना दे तो फिर पेन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच कर सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों की एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है, ठीक है। क्रियाकलाप सेकंड, तंतु। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे को टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदेश दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खनोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखेंगे कि तागा पतली लड़ियों में विभाजित हो जाता है इस तरह, देख रहे? तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। सुई से तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों
से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम लोग तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं, तथा तागे भी धागे भी अंग तंतुओं से मिलकर बने हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें हम लोग प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई अथवा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन आपको भेड़ बकरी की कार्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक या ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें हम लोग संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, कुछ पादप तंतु। रुई, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आप क्या पीछे पिक्चर किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। रुई को साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली अथवा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की खेती की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक होते हैं। ठीक, कपास को लगभग नींबू की माप पूर्ण परिपक्व होने के बीच टूटकर खुल जाते हैं। कपास आपके पता है गुजरात महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी इसकी खेती की जाती है। कपास की आपकी अब कपास तंतुओं से ढके पिनोले कपास की बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिपुल्लों रोगों से इतना स्वेत हो जाता है जिसे ढक जाता है। ये आपका कपास पादप खेत दिख रहा है। साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। ये आपका देखिए, बात करते हैं जूट पटसन। क्या जूट पटसन? पटसन तंतु को पटसन पादप कितने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं के से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। यह है आपका पटसन पादप। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों धागों में परिवर्तित किया जाता है। यह आपका चरखा है, रुई से धागा बनाना। सूती धागे की कटाई, तागे या धागे की कटाई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कोई रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए
और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए तो आप धागा बना पाएंगे। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है आपका। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग तकली कहते हैं। हाथ से विचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तावों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं हम लोग। बेहद पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई जाती। बुनाई, आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। विभिन्न भिन्न रंगों को दो कागज की सीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार सीट काटिए। अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए, एक सीट दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए, दूसरी सीट का चित्र 12:2 में दिखाए अनुसार खींचिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए, फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के इस तरह देखिए, बारहसी में दिखाए अनुसार बुनिए। पट्टियां बुनने के पश्चात नमूना दिखाया गया है, ये आपका ठीक स्वेटर बुनाई आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई बुनता है माँ, इस तरह बुनाई होती है। इसे ढंग से धागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे हस्त प्रचालित और अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। इस तरह ये आपका हथकरघा, एक विशेष प्रकार की बुनाई। कभी कभी आपने यह ध्यान से देखा होगा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इनकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के दूसरे टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विधियां विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। अब बात कर लेते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म खाल, जंतुओं की खाल और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। किसी कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियां तथा घास को बुनकर चटाई, डलियां, टोकरी बनाना सीखा। लताओं और जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी।
फ्लैक्स भी एक पादप है जिसमें प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई अथवा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता मिलती है। कपास गोलक ओंटना फिर रेसे बनते हैं, कताई धागे बुनाई और बंधाई द्वारा वस्त्र बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, रुई क्या होती है, वस्त्र कैसे बनते हैं, तंतु क्या होती है, कताई कैसे होती है, बुनाई कैसी होती है, तागा या धागा के बारे में जाना है। पता है आपको, इन सभी चैप्टरों में आपको यही समझाने की कोशिश की जाएगी इन्हीं शब्दों की। जैसे इस चैप्टर में हमें रुई के बारे में बताया गया, वस्त्र के बारे में, तंतु कताई बुनाई धागा के बारे में। बताइए इसमें समझाने लायक क्या है? आप तो मेरी राय तो यही बोलती है कि कहीं से डाउनलोड करके एक दो बार पढ़ लीजिए या अच्छे से कहीं से सुन लीजिए। बस इसका सारांश क्या है, वस्त्र सामग्री अथवा वस्तुओं में विविधता होती है। जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतुओं पादकों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, जिनसे वस्त्र बनता है। ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए, टेलीग्राम पर डाल दी थी पीडीएफ। ठीक है, वहां से डाउनलोड करके देखते रहना है। देख लिया, तंतु से वस्तु तक। आगे हम लोग बात करेंगे वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं के समूह बनाना।